ओम शांति। आप सर्व को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। दीपावली आई, जीवन के अंदर खुशहाली लाई, घर घर के अंदर दीप प्रगटने लगे, घर घर में खुशियाँ छाने लगी, घर घर में साफ सफाइयाँ होने लगी, क्योंकि हमें श्री लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश कराना है, लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना है। और इसके लिए हम न सिर्फ अपने घर की सफाई करें, स्थूल घर की, परंतु याद रहे हमें अपने इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है, अर्थात दिव्य गुणों की लक्ष्मी को बिठाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जो दिव्य गुण माँ पूज्य श्री लक्ष्मी में है, उन्हीं गुणों को हमें धारण करना पड़े। लक्ष्मी जी धन की देवी है, देवी माना देने वाली, दाता है वो। तो हमें भी क्या करना पड़े? हमें भी दाता स्वरूप बनना पड़े। हमें क्या दान में देना है, क्या सभी को देना है, वो हम थोड़ा समझ लें। हमें सभी को सुख देना है, शांति देनी है, आनंद देना है, खुशी देनी है, ना कि हम दिवाली के दिनों पर झगड़ा करें, कलह करें, कलेश करें, ईर्ष्या करें, द्वेष करें, या हम अपने ईगो में रहकर हम एक दो को दिवाली की बधाई भी ना दें और हम दिवाली के दिनों में और ही अच्छी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक बातों से आनंद लेने के बजाय हम नकारात्मकता की और बढ़ें और हम ऐसा संग करें कि दिवाली मनाने का हमारा यही एक जैसे तरीका बन जाए कि दिवाली माना नकारात्मकता को लेकर के मनाना। जैसे खूब पैसों को जरूरत, आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं ऐसी चीज़ों को खरीद कर लाना और घर में उसका संग्रह करना, या फिर ऐसे मित्रों का संग करना जो हमें दिवाली मनाने के लिए शराब या कुसंग या परस्त्री संग या फिर कुछ पीने के ऐसे पेय पदार्थ हमको पिलावे, खिलावे, या हमको ऐसे स्थान पर ले जावे जहाँ जाकर के हम जैसे कि रंगरेली मनाते हों, दिवाली मनाते हों, ऐसा हम अपना स्वरूप बना दें और उस संग का रंग लगा लें। दिवाली इसलिए नहीं आती, दिवाली में मनोरंजन हम जरूर करें परंतु मन को रंज न पहुँचे, मन हमारा रंज में न आए, ऐसा हमको मनोरंजन करना है। न सिर्फ हमारे मन का ध्यान रखना है लेकिन हमें अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके मन को भी दुखाना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अड़ोसी पड़ोसी या हम जिससे भी मिलें हम उनके प्रति इतना अच्छा सोचें कि उनकी मनसा को सोचने से सुख मिले। हमें उनको ऐसी दृष्टि से देखना है जो हमारी दृष्टि देखकर वो प्रफुल्लित हो जाए। हमें अपने चेहरे के भाव इतने सुंदर अपनेपन के दिखाने हैं जो वो अपनापन पाकर हमें गले लगाने को सामने से उत्सुक हो जाए। वाणी से भी हम ऐसे मीठे बोल बोलें जो वो हमारे पर फिदा हो जाए, और इसी प्रकार हम उनको मिठाई खिलाएंगे मुख की मीठा बोलकर, दृष्टि द्वारा हम उनको अपनापन देंगे, मन के शुभ संकल्पों द्वारा उनके प्रति शुभ कामना और मंगल कामनाएं करेंगे और गले लगकर बीती हुई बातों को भुलाकर और हम उनको अपना बनाएंगे और फिर से
एक नई दोस्ती, नए संबंध और नए गुण और शक्तियों के साथ मिलकर के फिर से संगठन में चलेंगे। तो दिवाली पर हम ऐसे शुभ संकल्प करें और उसी शुभ संकल्पों का दीपक जगाएं, न सिर्फ एक दीपक जगाएं, लेकिन बहुत सारे दीपक हम जगाएं, जलाएं, रिक्ताएं और साथ साथ अनेकों को प्रेरणा दें, अर्थात उनके भी मन के अंदर या अंतरात्मा के अंधियारों को मिटाने के लिए उनके भी दीपकों को जगाएं, जगाने की प्रेरणा दें और उनके भी अंदर प्रकाश डालें, उनके मन के अंधियारों में भी रोशनी कर दें। और इस प्रकार हम दीपावली को एक उत्सव जागती ज्योत या प्रकाश के रूप में मनाएं। अब अगर हमारे पास वो प्रकाश नहीं, अगर हमारे दीपक में गिरत नहीं, ज्योत में वो शक्ति नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो हम माँ लक्ष्मी जी के पास बैठेंगे और माँ लक्ष्मी जी जिस प्रभु की शक्ति है, उस प्रभु से और लक्ष्मी जी से हम शक्ति लेंगे और उनसे शक्ति लेकर हम औरों को देंगे। तो दिवाली की फिर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। दाता बनो और देवी समान, माँ लक्ष्मी समान, वरदानी और दाता बनो। ओम शांति।